हाय फ्रेंड्स, स्वागत है सुमन किचन में आपका। और आज मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल रोल। तो वेजिटेबल रोल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए आइए बताती हूँ। तो मैंने लिया है ए 2 कटोरी आटा, और 1 कटोरी मैंने सूजी लिया है। ए मैंने हरा प्याज कट कर लिया है बारीक, ए शिमला मिर्च मैंने बारीक कट लिया है, ये गाजर मैंने घिस लिया है 1 कटोरी, और ये हरी मिर्च है। ये हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार से ले सकते हैं, ये मेरा तीखा नहीं है इसलिए मैंने 4-5 हरी मिर्च ले लिया है। और 1 मैंने टमाटर बारीक कट कर लिया है, और ये 2 उबले आलू मैंने कद्दूकस कर लिया, घिस लिया है मैंने, और ये बॉयल मटर ले लिया है हमने, और ये है पत्ता गोभी, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, और नमक, आमचूर पाउडर, और गरम मसाला, जीरा, और हमें ऑयल चाहिए 2-4 टेबल स्पून। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। सबसे पहले एक बॉल लेंगे और इसमें अपना आटा डाल देंगे। उसके बाद से मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी अपना सूजी, और सूजी के अंदर मैं थोड़ा सा डाल दूंगी नमक, और उसके बाद से हम डाल देंगे इसके अंदर ऑयल मोयन के लिए, और इसे मिलाएंगे। हाथ बिल्कुल धुल के साफ करके रखना है, और उसके बाद से हम मिला लेंगे इसे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने अपना मोयन को अच्छा से मिक्स कर लिया है, और ये देख सकते हैं आप ऐसे बंध रहा है, तो ऐसा ही चाहिए। इतना मोयन हमें डालना है इसमें ताकि ये ऐसे बंध जाए। तो हमने ये अच्छा से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सख्त डोर लगाऊंगी आटे को। तो मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी इसके अंदर, और इसका अच्छा सा सख्त डोर लगा लूंगी। तो फ्रेंड्स, हमारा आटा आप देख सकते हैं लग चुका है। अब इस आटे को मैं 20 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी ताकि रेस्ट हो जाए, अच्छा से सेट हो जाए आटा मेरा। तो मैं 20 मिनट के लिए इसे ढक के रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रख दिया है, और इसमें मैं डाल दूंगी 2 टेबल स्पून ऑयल। गरम होने देंगे इसे। तो फ्रेंड्स, हमारा ऑयल गरम हो चुका है। इसमें सबसे पहले मैं डाल दूंगी जीरा। जीरा तड़कने देंगे हम। उसके बाद से मैं इसमें डाल दूंगी अपना ये शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भूनेंगे। शिमला मिर्च के बाद में डाल दूंगी अपने प्याज। ये हरा प्याज है, हमने बारीक काट लिया था इसे। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें अपना हरी मिर्च। फ्रेंड्स, मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। इसके बाद से मैं डाल दूंगी इसमें पत्ता गोभी, गाजर, और इसे हम भूनेंगे, मिक्स कर लेंगे। उसके बाद से मैं इसमें डाल दूंगी अपना मटर, तो फ्रेंड्स इसके अंदर अपना टमाटर भी ऐड कर देंगे, और टमाटर के साथ साथ हम अपना ये घिसा हुआ आलू इसमें डाल देंगे, और अच्छे से मिलाएंगे इसे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने 1.5 मिनट तक इसे भून लिया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी टेस्ट के अनुसार से नमक। उसके बाद से मैं डालूंगी इसमें चाट मसाला, और इसे अच्छा से इसे भी इसमें भूनेंगे। चाट मसाला और नमक मैंने ऐड कर दिया है, और आप इसमें चाहें अब तो जीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं नहीं डालूंगी। मैं इसमें बस गरम मसाला डालूंगी, इसे थोड़ा सा और पकाएंगे हम। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर आप जो सब्ज़ी ऐड नहीं करना चाहते हैं उसे निकाल दें, ना डालें, और जो और ऐड करना चाहते हैं उसे ऐड भी कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा जो इसमें मैंने सब्जी डाली है उसको गलने तक मैंने इसे भून लिया है, और आप इसमें कोई और मसाला ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डालना है हमें। तो आप जीरा पाउडर डाल सकते हैं, और हल्दी पाउडर भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डालूंगी।
और ये हमारा लगभग हो चुका है, थोड़ा सा टमाटर गलना बाकी है, तो मैं थोड़े देर और 1 से 1.5 मिनट भूनूंगी ताकि हमारा टमाटर भुन जाए। कुल मिला के इसे 5 से 6 मिनट ही हमें भुनना है ताकि मसाला और सारे हरे सब्जी अच्छे से पक जाए। और सारे हरे सब्जी हमने बारीक काटे हैं तो ये जल्दी ही पक जाएंगे, तो हमने ये कम से कम ये 5 से 6 मिनट में तैयार हो जाएगा इस टॉपिंग। तो फ्रेंड्स, ये हमारा हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी धनिया पत्ता और उसके बाद से हम डाल देंगे इसमें गरम मसाला अपना, और गरम मसाला डाल के और हम चला लेंगे इसे। उसके बाद से मैं गैस ऑफ़ कर दूंगी। तो ये हमने मिक्स कर लिया है, अब गैस मैं ऑफ़ कर दूँगी। फ्रेंड्स, अपना आटा अपन देख लेते हैं। तो 20 मिनट हो चुका है, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है हमारा आटा, तो अच्छा से सेट हो गया है। अब इसे हम छोटा छोटा लोई बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये लोई हमने काट लिया है और ऐसे अपन सबको बना लेंगे। और चलिए, इस लोई को हम तैयार करने के बाद बताते हैं हमें क्या करना है। तो इसे साइड में रख देते हैं और मैं इस कटोरी में मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून मैदा, और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसका थोड़ा गाढ़ा घोल बनाऊंगी मैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका हमने पतला घोल बना लिया है। अब इसे रख दूंगी मैं साइड में। तो फ्रेंड्स, हमने एक लोई ले लिया है और इसे थोड़ा सा आटा से मैं डस्ट कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, हमने डस्ट कर लिया है, अब इसे हम बेल लेंगे और बिल्कुल रोटी के जैसे हमें बेलना है। और आटा भी हमें बिल्कुल रोटी के आटा जो लगाते हैं उससे थोड़ा सख्त लगाना है, तो हम इसे अच्छा से बेल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने अपना रोटी तैयार कर लिया है और इसके बाद से हम भरेंगे अपना स्टफिंग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपना ये स्टफिंग यहाँ पे डाल दूंगी इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, हमने ये भर लिया है। अब मैं क्या करूंगी, इसे इस तरीके से यहाँ पे मोड़ लूंगी, और मैंने जो आटा ये घोल बना के रखा था उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा लगा दूंगी इस तरीके से। उसके बाद से मैं यहाँ से थोड़ा मोड़ लूंगी इस तरीके से, और इधर से भी मोड़ लूंगी। और इससे क्या होगा, जो मैंने मैदा का घोल बनाया था उससे यहाँ पे बिल्कुल पकड़ हो जाएगी, और इस तरीके से कर लेंगे। उसके बाद से मैं इसके ऊपर भी थोड़ा मैदा का घोल लगा दूंगी यूं, और इधर भी। उसके बाद से हम धीरे धीरे ये अपना बिल्कुल सख्त मोड़ लेंगे इस तरीके से ऐसे। और ये जो लास्ट वाला है इधर भी मैं थोड़ा सा ये अपना घोल लगा दूंगी, ये पकड़ करने के लिए करना है, ताकि ये हमारा तलते वक्त खुले ना रोल, इसलिए हमें इस तरीके से इसे इस तरीके से चिपका देना है। और ये हमारा रोल तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम जितना भी रोल बनाएंगे वो तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, इधर से भी हम थोड़ा हाथ के सहारे इस तरीके से दबा लेंगे ताकि खुले ना। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा दबा देना है ताकि इधर से भी ये सील हो जाए, और इधर से भी हम दबा देंगे, और यहाँ में थोड़ा थोड़ा हाथ टच कर देंगे। तो ये हमारा तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सारा रोल मैंने तैयार कर लिया है, और मैंने थोड़ा सा आटा इस पर छिट दिया है ताकि ये चिपके ना एक दूसरे में। तो चलिए, अब उसको फ्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स, गैस ऑन करके हमने कढ़ाई रख लिया है, और मैं इसमें ऑयल डाल दी हूँ, ये कुकिंग ऑयल है। और चलिए, इसमें गर्म हो चुका है, अब डालते हैं अपना रोल। तो फ्रेंड्स, हमारा ये ऑयल गर्म हो चुका है, और हमें मीडियम फ्लेम पे ही इसे गर्म करना है, ज़्यादा तेज गैस नहीं करना है। और मैं इसको एक एक डाल लूँगी, जितना आएगा उतना ही हमें डालना है इसके अंदर। तो हमने डाल लिया है, और मीडियम फ्लेम पे हमें फ्राई करना है इसे। एक साइड फ्राई होने के बाद मैं पलट लूँगी इसे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमारा सारा रोल ऊपर आ गया है, यानी नीचे से ये हो चुका है। और मैं इसे एक एक करके पलट लूँगी। तो ये देखिए, एक एक करके सारे रोल को हम पलट लेंगे।
इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दोनों साइड के हमने गोल्डन ब्राउन सेक लिया है इसे। अब हम निकाल लेंगे अपने रोल को। तो ये हो चुका है हमारा रोल, अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा वेजिटेबल रोल तैयार है और इसे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे तलना है। कम से कम 5 से 7 मिनट तक आप तलेंगे। तो ये आप अपने घर पे ज़रूर बनाएं और हमें ज़रूर कमेंट में बताएं कि ये रोल कैसी लगी आपको। और अच्छी लगी तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।